YouTube चैनल मैजिक साइंस। आई होप फ्रेंड्स आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स यह है मेरे हफ्ते की पहली वीडियो और हमारे इंडिया के फेमस मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट पे थर्ड वीडियो। सो फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं और फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देखना और उससे पहले ही शॉर्ट वीडियो को भी जरूर देखना। आर्यभट्ट द इन्वेंटर ऑफ सीरम। Aryabhatta is the first of the greater astronomer of a classical age of India. He was born in Kerala, South India in 476 AD but later lived in Kusumapura, which is commutator Bhaskara 1, 629 AD identifies with the Pataliputra, modern Patna in Bihar. His first name Arya is hardly a South Indian name, while Bhatt or Bhatta is topical North Indian name even found today, especially among the trader community. तो फ्रेंड्स ये हैं इंडिया के द ग्रेटर मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। तो फ्रेंड्स अब हम इनके बारे में जानेंगे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट इट। इनके फादर्स का नेम था श्री बंधु बापू अथावा, मदर्स का नेम था श्रीमती हसनबाई अथावा, प्लेस ऑफ बर्थ थी पाटलिपुत्रा, डेट ऑफ बर्थ थी 476 CE, डेट ऑफ डेथ थी 550 CE। सो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे अमेजिंग फैक्ट अबाउट आर्यभट्ट। फैक्ट नंबर वन, आर्यभट्ट पहले इंडियन थे जो कि मैथमेटिक्स और स्पेस एक्सप्लोरिंग में एक्सपर्ट थे। फैक्ट नंबर टू, आर्यभट्ट ने कई न्यूमेरिकल्स और लौकिक ग्रंथों की रचना की जिनमें से एक आर्यभट्ट का पहला प्रमुख काम था। फैक्ट नंबर थ्री, आर्यभट्ट में मैथ्स के कई ब्रांचेस शामिल हैं जैसे एलजेब्रा, अर्थमेटिक, प्लेन स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। फैक्ट नंबर फोर, उन्होंने एक ब्रिलियंट टेक्निक तैयार की जिससे कि हम लेंथ ऑफ कोण ऑफ सर्कल विद हाफ कोण पता चल पाए। फैक्ट नंबर फाइव, आर्यभट्ट पाई की वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेट तक भी पहुंच गए थे और उन्होंने पाई को इरेशनल बताया। आर्यभट्ट ने प्लेस वैल्यू सिस्टम पे भी वर्क किया था एंड ही डिस्कवर्ड जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम। फैक्ट नंबर सेवन, आर्यभट्ट ने नाइन प्लैनेट को डिस्कवर किया और कहा प्लैनेट सूर्य की चारों तरफ घूमते हैं। फैक्ट नंबर एट, आर्यभट्ट ने अर्थ की रेडियस बताई और साथ ही रेडियस ऑफ नाइन प्लैनेट्स भी बताया। फैक्ट नंबर नाइन, आर्यभट्ट ने एक्लिप्स की थ्योरी दी और इन्होंने समझाया कि यह राहु की वजह से नहीं होता, जैसे कि और पुजारियों ने कहा यह इसीलिए होता है क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा द्वारा डाली गई छाया की कारण होता है। फैक्ट नंबर टेन, आर्यभट्ट ने कहा कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।